नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसे करंट न्यूज़ सागर। इस समय प्रेस क्लब में मौजूद हैं और हमारे साथ में बाबा हरिदास महाराज जी हैं। इन्होंने प्रण किया है कि यमुना जो एक बहुत ही गंदे स्तर पर पहुंच गई, उसको सफाई किस तरीके से करवाई जाए। भगवान कृष्ण से इसका बहुत ही पुराना नाता रहा है और हिंदू धर्म में ये बहुत ही आस्था का प्रतीक है, जहाँ पे नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है और माता के रूप में चाहे गंगा हो या यमुना, अगर एक गंदे स्तर पर पहुंचती है तो इसका पानी जहाँ लोग पीते थे और पीकर अपने आप को धन्य मानते थे कि हमने यमुना या गंगा का पानी पिया है, आज की तारीख में अगर उस यमुना या गंगा के पानी को अगर छू भी लिया जाए, दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है, तो उसमें भी लग रहा है कहीं कोई चर्म रोग न हो जाए, डॉक्टर की जरूरत न पड़ जाए। इसी सभी मुद्दे को लेके बाबा हरिदास महाराज जी एक बैनर में बताना चाहूंगा, यमुना बचाओ आंदोलन करने जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता किया, तमाम पत्रकारों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और पत्रकारों से भी आह्वान किया है कि वो उनका साथ और सहयोग करें, ताकि कम से कम दिल्ली की जो जहाँ से यमुना स्टार्ट होती है और जहाँ तक दिल्ली का क्षेत्रफल है, वहाँ पर यमुना साफ तो नजर आए। हम बात करते हैं बाबा जी से और जानते हैं कि ये जो मुहिम चला रहे हैं, ये जन जागरण यात्रा करने वाले हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होने वाली है और इसका कितना फर्क पड़ने वाला है। जी महाराज जी, आप ये जो चला रहे हैं, जो जन जागरण यात्रा आप करें, लोगों के दिमाग में बैठा रहे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित गंगा वो दिल्ली में है और दिल्ली के लोग ही जो उस जल को पीते हैं वही सबसे ज्यादा दूषित करते हैं, कैसे समझा पाएंगे लोगों को ये? तो देखिए, हम जो प्रीतम धाम के जो सारे कार्यकर्ता हैं और हम लोग धर्म के नाते, क्योंकि वो हमारी धर्म की श्रेणी में हैं और हम लोगों को यमुना को अगर कोई चीज़ गिरती है, गंदी चीज़ गिरती है, तो ये धर्म का अपमान है और हमारी धरोहर है। तो हम दोनों बातों को लेके चलेंगे। एक तो वो पवित्र नदी है, उसको हम गंदा कर रहे हैं, ये भी एक गलत है। और हम जो दैनिक रूप में जो कार्य कर रहे हैं, सरकार तो अपना काम कर रही है, हमने सिस्टम रखा है कि हम सरकार की बात सरकार से करेंगे और समाज की बात समाज से करेंगे। तो जन जागरण लाना बहुत ज़रूरी है। जन जागरण नहीं आएगा ना तो यमुना अभी भी ऐसी बह रही है और आगे भी ऐसी बह रही है। तमाम उद्योग जो हैं दिल्ली के अंदर जो चल रहे हैं या यमुना के किनारे जो चल रहे हैं, और जो दिल्ली का भी जो गंदा पानी है, शिवर का पानी है, जो गंदे नाली का पानी है, वो भी यमुना में मिल रहा है और इससे सरकार भी वाकिफ है, तो कितना लग रहा है कि यमुना जो स्वच्छ करने की बात है, जब सब जानते हैं, उद्योगपति भी जानते हैं कि उनका गंदा पानी, जो फैक्ट्री का गंदा पानी, वो भी यमुना में जा रहा है, शिवर का भी गंदा पानी जा रहा है, तो कितना लोग जागरूक हो पाएंगे? क्योंकि जो गंदा कर रहे हैं आप उन्हीं से कहेंगे स्वच्छ कर लो, कितना लोग मानेंगे आपकी बात? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि जब 3 साल पहले कोरोना काल आया था, उस स्थिति में सभी बंद थे, फैक्ट्रियां बंद थी, उद्योग बंद थे, सभी बंद थे, छोटे बड़े सभी घरों में रह रहे थे, खा रहे थे, हग रहे थे, मूत रहे थे सभी। वो पानी वहाँ पर आया सीवर का, और मैं वहाँ पर, मैं पिछले 15 साल से यमुना के किनारे कार्य करता हूँ, मुझे मालूम है कि यमुना कब साफ होती है, कब बाढ़ आती है, कब गंदी होती है। तो उस समय जब मैंने देखा कि वो पानी बिल्कुल गंगा की तरह हो गया, तो इसका मतलब है कि मल मूत्र से यमुना गंदी नहीं होती है। ये फैक्ट्रियाँ जो लगी हुई हैं दिल्ली के अंदर, उद्योगीकरण जल के द्वारा जो हो रहा है, उसका जो फिल्टर करके नहीं आने के कारण, तो इसमें दोषी प्रदूषण डिपार्टमेंट है और कोई नहीं। अच्छा, आप महाराज जी, क्या आप उन जो जिन फैक्ट्रियों का पानी यमुना में आ रहा है, आप उसको पत्राचार करेंगे, आप उनसे बात करेंगे कि आपका पानी जो यमुना में जा रहा है, आप इसको अगर साफ करके या फिल्टर करके अगर यमुना में भेजें तो हो सकता है कुछ हद तक जो है पानी साफ हो, आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझें? तो आप फैक्ट्री मालिकों से सरकार के थ्रू या आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से उनको कैसे? देखिए, ये कार्य तो सरकार के द्वारा ही होगा, हम तो इंटरफेयर नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरा मकान कोई आके तोड़ देगा तो ऐसे कोई तोड़ देगा, हम लोग उनसे प्रार्थना करेंगे कि भाई आपने जो फैक्ट्री लगा रखी है, आप एक इतना और खर्चा करिए कि एक फिल्टर लगा लीजिए इसको जी, ठीक है ना, फिल्टर लगा के इसको पानी को नाले में जाने दीजिए। भाई माँ तो सभी के लिए है और इससे दूषित हो रहे हैं हम लोग, बच्चे हमारे जो है नपुंसक हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर, चरम रोग हो रहे हैं,
और आने वाले समय के अंदर इतनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। और चरम रोग तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे देखिए मैं यमुना में खड़ा होता हूँ, ये मेरे पैर के यहाँ पे भी चरम रोग हो गया। कैमरा मैन से कहूंगा जरा आप दिखा दीजिए। दिखा सकता हूँ, यमुना में मैं 15 साल से कर रहा हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय है साथियों, जो भी अभी वीडियो देख रहा है, महाराज जी यमुना में अपनी दिनचर्या के रोज टाइम देते हैं और ये पानी में जो है टच होने पे इनके पैरों में इस तरीके के हाथों में जो ये हो गया, ये बहुत ही ये यमुना के पानी से हुआ। सरकारों को भी निवेदन है कि उसको भी गंभीरता से देखना चाहिए कि अगर यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियां भारत में पूजा की जाती है जिन नदियों की, और कई सारे त्योहार ऐसे हैं जो पानी में खड़े होकर लोग मनाते हैं, और जो ऋषि मुनियों का देश कहा जाने वाला वहां पे जब यमुना और गंगा की ये दशा हो, ज्यादातर यमुना की ये दशा हो कि वहां पे पानी के स्थान पे झाग बह रहा हो, बड़ा गंभीर विषय, इसको सोचना चाहिए कि कब तक ऐसा चलेगा। मैं तो यही कहूंगा कि यमुना को निर्मल बनाने में, अच्छा बनाने में, अविरल बनाने में आप लोग सहयोग करिए। देखिए ये चरम रोग मेरे को हुआ है, यही पानी हम फिल्टर करके पीते हैं तो इसका जो वायरस होता है वो खत्म नहीं होगा, वो हमारे आंत शोध के अंदर जा रहा है, जिससे सिरोसिस की मात्रा हमारे दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और वो गांठ बढ़ रही है बच्चों के जो शरीर के आंत के अंदर कैंसर आंत हो रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे चाहूंगा कि यमुना को बचा लीजिए, और ये सब जन संपर्क के द्वारा होगा, हमारा प्रयास है, और आप लोग के बिगर प्रयास के कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से महाराज हरिदास जी यमुना को बचाने के लिए भरसक प्रयास में जुटे हुए हैं, और दिल्ली वासियों का भी फर्ज है, कर्तव्य है कि वो जहां पर रहते हैं वहां के एरिया की तो कम से कम यमुना को साफ सफाई में सहयोग करें, और जो फैक्ट्री मालिक भी अभी जो हमारा वीडियो भी देख रहे हैं वो भी समझे, फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकल के यमुना में जा रहा है वो फिल्टर कर डालते हैं, तो उनका भी जो प्रयास है वो भी सार्थक होगा, यमुना सफाई में उनका भी सहयोग रहेगा। महाराज जी की जो जो यमुना बचाओ जो यात्रा है वो कई मायनों में बहुत अच्छा कार्यक्रम, इस तरीके से अगर तमाम जो संस्थाएं हैं, लोग हैं जो यमुना को बचाना चाहते हैं या यमुना का पानी शुद्ध करना चाहते हैं, वो तमाम लोग आए महाराज जी का साथ और सहयोग करें। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनसीआर करंट न्यूज। नमस्कार। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।